अब सारी मशीनें एक ही जगह पर। अगर आप बिजनेस की तलाश में हैं, तो आप सोडा शॉप की मशीन परचेज कर सकते हैं, गन्ने की जूस की मशीन, सॉफ्टी आइसक्रीम मशीन, बॉटलिंग प्लांट, आप सोडा बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। इस तरह की अलग अलग मशीन परचेज करने के लिए और पूरी वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च कीजिए वी आर सोडा मशीन। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार देश की 80 करोड़ जनता को महीने में एक बार मुफ्त राशन देती है। वहीं कुछ राज्य सरकारें भी राशन दे रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी एक महीने में एक बार मुफ्त राशन दिया जाता है। यानी केंद्र सरकार का अलग और उत्तर प्रदेश की सरकार का अलग। लेकिन अब राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो सरकार ने कुछ नियम और शर्त लागू की है। अगर आप इन नियम शर्तों में फंसते हैं तब तो आप सरकार से राशन ले सकते हैं। अगर आप इन नियम शर्तों में नहीं फंसते हैं तो आपको अपना राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ेगा, आपको अपने राशन कार्ड को कैंसिल करवाना पड़ेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करवाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपने आज तक जितना भी राशन लिया है वो सारा आपको वापस करना पड़ेगा। वो कौन कौन से नियम बनाए हैं सरकार ने, आइए आपको बताता हूँ। देखिए, इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सरकार का कहना है कि जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत है, उनको राशन चाहिए है, लेकिन उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपात्र, यानी जिनको राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है, जिनके पास बहुत कुछ है, उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, जिसकी वजह से गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है, उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। सरकार ने कहा है कि ऐसे परिवार जिनके पास मोटर कार, ट्रैक्टर, एसी, हार्वेस्टर, 5 KB या अधिक क्षमता का जनरेटर, 100 वर्ग मीटर का प्लाट या फिर मकान, 1 एकड़ से अधिक जमीन, 1 से अधिक शस्त्र का लाइसेंस, आयकर दाता यानी इनकम टैक्स देता हो, ग्रामीण क्षेत्र में परिवार की आय 2 लाख प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष अगर कोई कमाता है तो वो राशन कार्ड से राशन नहीं ले सकता। एक बार फिर से ध्यान से सुन लें, अगर आपके पास कार है तो आप राशन नहीं ले सकते, आपके पास ट्रैक्टर है आप राशन नहीं ले सकते, आपके पास एसी है, आपके पास हार्वेस्टर है, 5 KB या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर भी आपके घर में है, तब भी आप सरकार से राशन नहीं ले सकते, आपके पास 100 वर्ग मीटर का कोई प्लॉट है या फिर मकान है, तब भी आप सरकार से राशन कार्ड से राशन नहीं ले सकते। आप सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, आपके पास सरकारी कोई लाइसेंस है बंदूक का, या फिर आप गाँव में रहते हैं और 2 लाख रुपए आपका परिवार एक साल में कमाता है, तब भी आप सरकार से राशन नहीं ले सकते। और अगर आप शहर में रहते हैं और आपका पूरा परिवार साल में 3 लाख रुपए कमा लेता है, तब भी आप सरकार से राशन नहीं ले सकते। अगर ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है और वो सरकार से राशन ले रहे हैं तो सरकार ने कहा है कि जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड को सरेंडर करें, उसको जमा करवाएं, कैंसिल करवाएं, ताकि जो लोग वंचित हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, उनका राशन कार्ड आराम से बनाया जा सके। और साथ ही साथ सरकार ने यह भी सख्त आदेश जारी किया है कि अगर आपने जमा नहीं किया और आप पकड़े जाते हैं कि आपके पास इतनी सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी आप ले रहे हैं राशन, तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जितना भी राशन आपने आज तक सरकार से लिया है उसका हर्जाना भी आपको देना पड़ेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, जो चीजें मैंने बताई अगर इनमें से एक भी चीज आपके पास है, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो आप तहसील में जाकर, DSO ऑफिस में जाकर अपने राशन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं। ये काम आपको करना ही करना है क्योंकि सख्त आदेश जारी कर दिया है। अब तक आपने जितना राशन लिया है उसकी कोई बात नहीं है, अगर अभी आप सरेंडर कर देते हैं अपने राशन कार्ड को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन पकड़े जाने के बाद आपको सख्त कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको हर्जाना भी देना पड़ेगा। तो ये सख्त नियम राशन कार्ड धारकों के लिए लागू किए हैं उत्तर प्रदेश की सरकार ने। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल।